भारत विकास परिषद फतेहगढ़ साहिब वालों 6वां विशाल खूनदान कैंप मंदिर श्री नैना देवी सरहिंद शहर विखे लगाया गया। यह कैंप मुख मेहमान समाज सेवक राजेश मंजू अते अमित मंजू ने अपने पिता सब बाल कृष्ण मंजू दी याद नु समर्पित लगवाया। इस कैंप विच पहुंचन ते भारत विकास परिषद फतेहगढ़ साहिब टीम वालों हार पाके स्वागत किया गया। अमित मंजू ने जोत दी रस्म अदा करन मगरों खुद खून दान करके रस्मी उद्घाटन खून दान उपरांत उन्होंने यादगारी चिन्ह देके सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा खून दान दुनिया दा महान दान है क्योंकि दुनिया विच हर चीज खरीदी जा सकती है परंतु खून सिर्फ इंसान दे शरीर तों ही प्राप्त हो सकता है अते इस नाल कई इंसानी जीवन बचाए जा सकते हैं। प्रधान दीपक तलवार अते होर अहुदेदारा ने आए खूनदानियां अते आए मेहमाना दा धन्नवाद किया। इस मौके परिषद मैंबरां तों इलावा होर भी शहर दीआं शख्सियतां हाजिर सन। विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने मंजू परिवार के सहयोग के नाल अज इत्थे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है जिस विच उम्मीद है कि 70 तो वध जिन्हें इकट्ठे करके फतेहगढ़ साहब हॉस्पिटल भेट किए जाएंगे। मैं शहर निवासियों का इलाका निवासियों का भारत विकास परिषद का तो मंजू परिवार का तहे दिल तों धन्यवाद करता। ओम साई राम साडी परिषद भारत विकास परिषद फतेहगढ़ साहब ब्रांच वालों 6वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। ये कैंप स्वर्गवासी मास्टर बाल कृष्ण मंजू जी कनेडा च जो चले गए सन उन्हां दा पिछे स्वर्गवास हो गया सी उन्हां दी याद विच ये कैंप मंदिर श्री नैना देवी विखे लगाया जा रहा है। साडे कैंप दे विच आधे मुख मेहमान उन्हां दे बेटे अमित मंजू जी जो स्पैशल तौर पर कनेडा तो आए सन ते उत्ते उह अज कैंप विच आए हन ते नाल उन्हां दी फैमिली आई है ते उन्हां दा ते मैं अपने वालों अपनी टीम वालों तो सारे परिषद वालों उन्होंने जी आया कहना हाँ तो उन्होंने धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम विच्चों टाइम कढ़िया है। तो जिवें कि तुहानू पता ही है खूनदान एक महादान है, इस तो वड्डा कोई दान नहीं है। ताड़ी दित्ती हुई खून की एक बूंद नाल भी तुसीं किसी की जिंदगी बचा सकते हो। मेरा तो साडा तो चलो फर्ज है भी आपां नूं समें दे कैंप लगा के क्यों होस्पिटल दे विच भी एमरजेंसी लोड पैंदी रहिंदी है तो सानू कैंप लगाने चाहिए हैं ता जो होस्पिटल नूं किसी एमरजेंसी वेले तो यह खून की वरतों कर सकन। तो आपां नूं चाहिए है जो कोई एमरजेंसी होवे तो आपां नूं सारे काम छड्ड के यह खूनदान करना चाहिए है। तो इस तों वड्डा कोई भी खूनदान नहीं है। जिवें आपां देखदे हाँ सब किते जात पात देखदे हाँ भी ये उस जात का है ये उस जाति का है ये उस पात का है। तो खूनदान करने वेले आपां कौन नहीं देखते भी खून किस जात दे बंदे लिता जा रहा है बात किसे जात का है पात का है। आपां एक इंसानियत देखते हाँ भी आदमी की इंसानियत है तो आपां नूं इंसानियत तो इंसानियत देख के ये खूनदान करना चाहिए है। तो साडे कैंप दे विच साडा जो पहला टाक मेरा जो मेरी तीजी टर्म है तीजे साल की पहली टर्म के हड़ताली यूनिट हुई सी ते इस यू इस अज दे विच करीब नहीं पिछले साल 53 यूनिट हुए सी ते सानू उम्मीद है कि असी अपना पिछला टारगेट अज अचीव करांगे ते इसनू अपने टारगेट नू तोड़ांगे। ते मैं स्पैशल तौर ते मंदिर श्री नैना देवी प्रबंधक कमेटी सेवा भारती सरहंद ते भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण सभा सरहंद दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ कि सानू इस दे कैंप विच बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो स्पैशल तौर पर मैं मंदिर श्री नैना देवी कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने सानू यह स्थान उपलब्ध कराया तो जो भी साजो समान हैं तो डोनर वो तो वह मैं इस गलते कहनी कहनी चाहता हाँ कि साढ़े इस कैंप के जो मेन सानू कैंप सफल कर रहे हैं विजय पाठक जी इन्होंने बहुत जोर लाया इसे तो इन्हों मैं अपनी दिल की गहराइया तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हाँ कि इस कैंप लिए उन्होंने जिन्ना मेरे दिमाग से बोझ नहीं सी जिन्ना कि विजय पाठक जी के दिमाग से लोड़ पाया सी उन्होंने भी आप तो इस कैंप में कामयाब करना है तो वो डोनर अपने करने हैं। तो मैं अपने
टीम मैंबर मुकेश घेई जी, रमेश शर्मा जी, राकेश वधवा जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो सानू कैंप में बहुत साथ दिता है। तो इस तो अलावा साड़ी भारत परिषद के जिन्हें भी मैंबर हैं उन्हों का मैं दिलों धन्यवाद करता हाँ कि उन्हों की सब की मेहनत नाल ही अज का यह कैंप कामयाब हो जा रहा है। तो मैं सारे शहर वासियों को अपील करता हाँ कि इस कैंप में आके अपना योगदान दो, अपना जीवनदान सफल बनाओ। धन्यवाद जी।